ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट क्लब के अकॉर्डिंग मार्चिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे ईशा और स्विंग क्विंग प्रैक्टिस करने के बाद अपने रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में ईशा को वांगशियो मिलता है। यहाँ पे वांगशियो ईशा को इन्वाइट करने के लिए आता है क्योंकि वांगशियो का कल जो है फुटबॉल मैच होने वाला था। और यहीं पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात को टिंग टिंग अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मैं पेंटिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ, मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती हूँ। इस पे टिंग टिंग की मॉम टिंग टिंग को कहती है, वैसे भी तुम्हें पता ही है हमारी घर की कंडीशन, साथ ही साथ तुम्हारे फादर ने इतनी मेहनत करके अपने बॉस को कन्विंस करा है, तो प्लीज तुम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे वापस आ जाओ। जिसके बाद टिंग टिंग की मॉम कॉल कट कर देती है और थोड़ी देर में वहाँ पे क्विंग भी आके टिंग टिंग को कहता है कि तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो तब भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और नहीं करना चाहती हो तब भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मतलब अगले दिन मार्चिंग कंप्लीट होने के बाद ईशा चली जाती है वांगशियो का मैच देखने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ स्विंकिंग के भी पैरों में थोड़ी सी मोच आ जाती है, जिस वजह से स्विंकिंग बहुत ज़्यादा ही ड्रामा कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे यावशेन आता है और स्विंकिंग को इस हालत में देख के कहता है कि तो नॉर्मल मोच है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिसे सुन के स्विंकिंग को हल्का सा तो गुस्सा आता है, लेकिन हमारा जो यावशेन था वो बिल्कुल ही मुंह पे बोलता है सारी बात, इस वजह से यावशेन अपने मुंह को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वहीं पे दूसरी तरफ फुटबॉल मैच में जो वांगशियो की टीम था उसका कॉम्पिटिशन था बेयू की टीम से, जहाँ पे वांगशियो की टीम फाइनली जीत जाती है और वांगशियो तुरंत ही ईशा को वहाँ पे देख के माइक पकड़ता है और ईशा को वहाँ पे प्रपोज कर देता है। इसके बाद ईशा थोड़ा सा शांत होती है और वांगशियो से कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज किया तो उसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि मैं बाकी लोगों के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने मना भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मना करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं रखती हूँ। यहाँ पे बेयू भी ईशा की बिल्कुल ही बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और जब ईशा मना कर देती है वांगशियो को तो बेयू को थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन यहाँ पे वांगशियो ईशा से कहता है कि तुम एक बार कोशिश और कर लो फीलिंग्स जगाने की, जिस पे बेयू अब बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत ही ईशा को कहता है कि चलो अभी प्रैक्टिस करनी है हमें डिबेट कॉम्पिटिशन की, और बेयू वहाँ से ईशा को खींचता हुआ लेके जाता है। वहीं पे स्विंग क्विंग भी ये सब कुछ देख रही होती है और यावशेन से कह रही होती है, वैसे भी ये प्लेस जो है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है प्रपोज मानने के लिए। जिस पे यावशेन कहता है कि अभी तो नहीं, लेकिन रात को 9 बजे के आसपास यहाँ पे मीटियोर गिरने वाला है। जिसे सुन के स्विंग क्विंग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वेलब रात को स्विंकिंग अपने सभी दोस्तों के पास पहुंच जाती है उसी पार्क में मेट्योर के सामने विशेष मांगने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मेट्योर के सामने विशेष मांगने पे वो विशेष पूरी हो जाती है। स्विंकिंग यहाँ पे विशेष जो पूरी करना चाहती थी वो ये थी कि वो कितना भी खा ले वो फिर भी कभी भी मोटी ना हो, साथ ही साथ उसे इतने सारे कूपन कोड मिल जाए ताकि वो थोड़ा सस्ते में खाना खा सके। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब मेट्योर नहीं गिरता तो सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं पे फाइनली जो है मेट्योर गिर जाता है, जहाँ पे पार्क के तो यावशेन मौजूद होता है और यावशेन अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस ये कहता है कि वो लड़की जो भी विशेष चाहती थी उसकी सारी विशेष पूरी हो जाए। यहाँ पे ईशा भी मिट्योर को गिरते हुए देखती है और विश मांगती है कि हमारी जो कंपटीशन है वो अच्छे से हम जीत सके। जिसके बाद कुछ ही देर में इंटरनेट आ जाता है और स्विंकिंग की एक विश पूरी हो जाती है, जिसमें स्विंकिंग को बहुत सारे कूपन मिल जाते हैं खाना खरीदने के लिए। मतलब नेक्स्ट डे बेयू सुबह सुबह अपनी साइकिल लेके गर्ल्स हॉस्टल के नीचे खड़ा हो जाता है और ईशा के आते ही ईशा को अपने साथ प्रैक्टिस रूम तक के जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस रूम तक पहुंच पाते तब तक बीच में ही जो है बेयू की साइकिल खराब हो जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन हमारा हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पे सभी डिबेटर्स मौजूद होते हैं और एक जज आके टॉप 12 डिबेटर्स के नाम बताता है, जो कि अब आगे के लेवल्स कंप्लीट करेंगे और बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे राउंड से बाहर हो चुके हैं। और फाइनली हमारे टॉप 12 में लिटरेचर टीम भी आ जाती है। वेल यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं टॉप 12 में आने की वजह से, सिवाय टिंग टिंग के, क्योंकि टिंग टिंग का जिस दिन पेंटिंग कंपटीशन था उसी दिन जो है टिंग टिंग का हमारा डिबेट कंपटीशन भी रहने वाला था। और अगर टिंग टिंग जो है टाइम पे नहीं पहुंच पाए डिबेट कंपटीशन में तो 3 जने होने की वजह से लिटरेचर टीम को आउट भी करा जा सकता है राउंड से। वेल यहाँ पे सभी लोग इस बात को लेके हल्के से टेंस्ड होते हैं कि शायद से टिंग टिंग जो है डिबेट कंपटीशन वाले दिन इनके टीम में ना हो, लेकिन कोई भी जो है अपनी फीलिंग टिंग टिंग को नहीं दिखाता, क्योंकि अगर टिंग टिंग को उनकी फीलिंग्स पता चल गई तो शायद से टिंग टिंग जो है अपना पेंटिंग कॉम्पिटिशन छोड़ के डिबेट कॉम्पिटिशन में आ जाए। जिसके बाद सभी लोग लग जाते हैं हुआशा को कन्विंस करने के लिए कि हुआशा जो है उस कॉम्पिटिशन वाले दिन टिंग टिंग की जगह फर्स्ट डिबेटर वर्क करे, लेकिन ग्लासोफोबिया होने की वजह से हुआशा जो है सबको मना कर देता है। वेल अब नेक्स्ट डे हमारी लॉ टीम का
कंपटीशन आर्ट टीम से होने वाला था, जिसे देखने के लिए लिटरेचर टीम भी गई हुई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो लॉ कंपटीशन है उसकी जो इंचार्ज है वो हमारी बेयू की आंटी है और साथ ही साथ शाओ चेन भी है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने के लिए याओ चेन भी आया हुआ होता है और स्विंकविंग के पास जाके उसे शॉपिंग का कूपन कोड देता है। लेकिन स्विंकविंग को शॉपिंग का तो शौक था ही नहीं, स्विंकविंग को तो सिर्फ और सिर्फ खाने का शौक था, जिस वजह से स्विंकविंग जो है याओ चेन से वो कूपन नहीं लेती। बिल्कुल उस देर में बेयू, क्विंग बेई और हुआशा भी कॉम्पिटिशन देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लॉ टीम का एक मेंबर हैपिंग वांग को देख के हुआशा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और यहाँ पे हमें हल्का सा लग रहा होता है कि शायद से जो है हुआशा हैपिंग वांग को बचपन से जानता है। बिल फाइनली हमारी लॉ टीम जीत जाती है, जिसके बाद बेयू दोबारा से हुआशा को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन हुआशा फिर भी नहीं मानता, जिस पर बेयू जो है हुआशा को सेल्फिश कहने लगता है। बिल यीशा तुरंत ही वहाँ पे पहुँचते हैं और इनकी लड़ाई सुलझाते हुए हुआशा से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए काउंसलर बुक करवा दिया है, तुम एक बार उससे मिल लेना। जिसके बाद जब नेक्स्ट डे हुआशा काउंसलर से मिलने जाता है तो उल्टा हुआशा जो है काउंसलर की फोबिया को पकड़ लेता है और जब काउंसलर ही अपने फोबिया को नहीं हटा पा रहा, वो हुआशा के कहाँ से हटा पाएगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हुआशा कैंटीन में के खाना खा रहा होता है कि तभी हैपिंग वांग आके हुआशा से बात करने लगता है। हुआशा हैपिंग वांग से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था लेकिन हैपिंग वांग जो है हुआशा को बुली करने लगता है। ये सब कुछ शाओ चेन देख रही होती है और तुरंत ही शाओ चेन खड़ी होके हैपिंग वांग को वहां से भगा देती है। उसके बाद शाओ चेन हुआशा के दोस्तों से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग हुआशा को कोई भी फोबिया नहीं है, हुआशा के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से जो है हुआशा पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। जिसके बाद बेयू तुरंत ही हुआशा से मिलने के लिए चले जाता है और हुआशा से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है और ज़्यादा फोर्स करने के बाद फाइनली हुआशा अपने पास्ट के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे हुआशा बताता है कि बचपन में हुआशा को बिस्तर गीला करने की आदत थी और जब ये बात हैपिंग वांग को पता चलती है तो हैपिंग वांग जो है पूरी क्लास को ये बात बता देता है। जिसके बाद एक कॉम्पिटिशन में हैपिंग वांग और हुआशा जीत चुके होते हैं और जब सर उन दोनों को स्टेज में बुलाते हैं तो सारे के सारे बच्चे हुआशा को देख के हंसने लगते हैं, जिस पर हुआशा जो है नर्वसनेस के कारण अपने पैंट पे ही पी कर देता है। जिसके बाद से हुआशा जब भी जो है पब्लिक स्पीकिंग करने की सोचता है तो हुआशा को हमेशा यही डर रहता है कि कहीं वो पी ना कर दे, जिसे सुन के बेयू को काफी ज्यादा हैपिंग वांग पे गुस्सा आता है और हुआशा से कहता है बेयू कि चलो हम उसको अभी सबक सिखाते हैं। जिस पे शाओ चेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हुआशा पे डिपेंड करता है कि वो हैपिंग वांग को माफ करना चाहता है या फिर उसको ऐसे ही पनिश करना चाहता है। जिसके बाद हुआशा सोच में पड़ जाता है कि वो हैपिंग वांग को माफ़ करे या फिर उसके साथ ऐसे ही रिलेशन बना के रखे। वेल अब नेक्स्ट डे याओ चेन स्विंकविंग से मिलता है और स्विंकविंग को जो है फूड का कूपन पकड़ाता है। वेल जहाँ पे भी फूड की बात आती है स्विंकविंग वहाँ पे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटती। जिसके बाद स्विंकविंग चली जाती है याओ चेन के साथ खाना खाने के लिए। यहाँ पे याओ चेन स्विंकविंग से पूछता है कि मैंने सुना है तुम क्विंग बेई को लाइक करती हो, जिसके बाद स्विंकविंग याओ चेन को बताती है कि मैं क्विंग बेई को लाइक करती हूँ और क्विंग बेई जो है टिंग टिंग को, लेकिन टिंग टिंग क्विंग बेई को लाइक नहीं करती, इसी वजह से मैं अभी एंड तक लड़ूंगी और कोशिश करूंगी क्विंग बेई के मुँह से हार दिलवाने की। नेक्स्ट सीन में पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात बताई जा रही होती है कि नेक्स्ट मंडे से रात के 10 बजे के बाद से यूनिवर्सिटी जो है अपना नेट सप्लाई नहीं करेगी क्योंकि नेट की वजह से बच्चे जो है लेट लेट भर तक जगे रहते हैं। यहाँ पे जो है कुछ बच्चों को ये सही लग रहा होता है और कुछ बच्चों को ख़राब लग रहा होता है और जिनको सही लग रहा होता है ना वो मोस्टली टीचर्स ही होती हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन ईशा से मिलने के लिए गई हुई होती है और शाओ चेन ईशा को बताती है कि बहुत ही जल्द जो है जितने भी डॉक्यूमेंटर्स हैं जो कि अपनी टीम के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनका इंटरव्यू होने वाला है, तो यहाँ पे जो है हमारी हुआशा को भी जाना पड़ेगा। लेकिन हुआशा ये बात सुन के थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि हुआशा तो लोगों के सामने बोल ही नहीं पाता। वहीं पर दूसरी तरफ बेयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उनका सजेशन ले रहा होता है कि उनके अकॉर्डिंग क्या ये सही है कि नहीं है कि रात के 10 बजे के बाद नेट बंद हो जाना चाहिए, कि तभी मिसेस तांग वहाँ पे पहुँच जाती है और जैसे ही बेयू की नज़र मिसेस तांग पे पड़ती है तो बेयू जो है अपना झोला बिस्तरा लेके तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। तभी भागते टाइम बेयू की जो टक्कर है वो उसकी आंटी से होती है। यहाँ पे बेयू की आंटी दोबारा यही कह रही होती है कि तुम्हारे फादर को लॉ करवाना है तुम्हारा, तो तुम लॉ में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, तुम लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हो, जिस पे बेयू अपनी आंटी को साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। वेल दोबारा से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और इस बार मिस्टर बांग जो है अपनी टीम पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि इस बार जो कंपटीशन था वो लिटरेचर वालों का लॉ के साथ था और लॉ की कोच थी हमारी बेयू की आंटी और वहीं पे लिटरेचर की कोच थी मिस्टर बांग, और मिस्टर बांग और बेयू की आंटी में बहुत टाइम से जो है टक्कर चल रही होती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में शाओ चेन हुआशिया को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है।
फिर ड्रामे में आगे सभी लोगों को फाइनली उनका टॉपिक पता चल जाता है, जो कि रहने वाला है इंटरनेट पे बेस, जहाँ पे टिंग टिंग की टीम को जो है इंटरनेट के एडवांटेजेस के बारे में बताना है। वहीं पे दूसरी तरफ स्विंकिंग की मुलाकात याओ शीन से होती है, जहाँ पे स्विंकिंग याओ शीन की डायरी देखते हुए कहती है कि शायद से तुम सारे डिबेट कॉम्पिटिशन अटेंड करते हो और उसे जो है अच्छे से एनालाइज भी करते हो। जिसके बाद स्विंग किंग याओ शीन से पूछती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इंटरनेट तो अच्छा ही है ना, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस पे याओ शीन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अच्छा है, और याओ शीन स्विंग किंग से क्वेश्चन करता है कि तुम क्या करती हो इंटरनेट में पूरे दिन। जिस पे स्विंग किंग कहती है कि मैं कपड़े खरीदती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर करती हूँ। जिस पे याओ शीन कहता है देख ही लो तुम ही खुद, तुम जो हो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो। ये बात सुन के स्विंग किंग थोड़ा सा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वेल ड्रामे में आगे हुआशा फाइनली इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाता है, और रास्ते में जब जा ही रहा होता है तब हुआशा को हैपिंग वांग दिखता है। उस टाइम पे वहाँ पे शाओ चेन भी मौजूद होती है। हैपिंग वांग हुआशा से माफ़ी मांगता और वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे हुआशा भी फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो इस बार हैपिंग वांग को माफ़ कर लेगा, क्योंकि उसने आगे से ही माफ़ी मांगी है। यहाँ पे हुआशा की बात सुन के शाओ चेन हुआशा को कहती है कि हमेशा माफ़ी मांग देने से किसी को माफ़ करना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभार उस इंसान को अपनी गलती का भुगतान भी भरना होता है। वेल जिसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्टेज में चले जाते हैं, जहाँ पे ली हाईशान इस शो को जो है होस्ट कर रही होती है। ली हाईशान हुआशा और हैपिंग वांग से पूछती है कि कल जो है तुम दोनों का ही आपस में कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो आप लोगों की कैसी तैयारी हो गई है। लेकिन यहाँ पे हैपिंग वांग अपनी हद पार कर देता है और लाइव इंटरव्यू में हुआशा को ये कह देता है कि हुआशा मुझे माफ़ कर दो, बचपन में तुम्हारी बिस्तर गीले करने वाली आदत मैंने सबको बता दी थी, और जिसके बाद जो है तुमने स्टेज में भी पी कर दिया था। इस बात को सुन के हुआशा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जैसे ही हुआशा साओ चेन को देखता है तो हुआशा के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और तुरंत ही हुआशा हैपिंग वांग को इंटरव्यू के दौरान बोल देता है कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि माफ़ी मांग लेने से किसी को माफ़ करना ज़रूरी नहीं होता, कई बार उनको जो है उनकी गलती का एहसास भी दिलाना ज़रूरी है। मैंने सोचा था उस टाइम पे हम दोनों बच्चे थे तो तुम्हें माफ़ कर देना ज़रूरी था, लेकिन आज जो तुमने करा है उसकी तुम्हें भुगतान भी भरना पड़ेगा। उसके बाद हुआशा कहता है हैपिंग वांग से कि मैं कल के कॉम्पिटिशन में अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वेल इंटरव्यू खत्म होने के बाद मिस्टर वांग सभी लोगों से मिलने के लिए उन्हें प्रैक्टिस रूम में बुलाते हैं, जहाँ पे मिस्टर वांग नोटिस करते हैं कि कल के कॉम्पिटिशन को लेकर कोई भी डिबेटर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जिसके बाद मिस्टर वांग अपने मन में कहते हैं कि होपफुली ये पास हो जाए, और अगर ये बाई चांस फेल हो जाएंगे तो इनको अपनी लापरवाही का सबसे बड़ा सबक मिल जाएगा। वेल अब नेक्स्ट डे स्विंग क्विंग हमेशा की तरह कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले ही हॉल में पहुंच जाती है और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे लोगों को रेडी करने लग जाती है। इस बार साथ ही साथ स्विंग क्विंग ने जो है अपने हाथों से डिजाइन किए हुए टी शर्ट जो है अपने सारे के सारे सपोर्टर्स को पहना दिए होते हैं, ताकि वो लग सके अलग से ही, मतलब चमके से, हाँ भाई ये लिटरेचर टीम के सपोर्टर है। साथ ही साथ अब स्विंग क्विंग के पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक टी शर्ट बचती है, जिसे स्विंग क्विंग किसी को भी नहीं देती। आप समझ गए होंगे स्विंग क्विंग ये किसके लिए बचा रही है। नहीं, स्विंग क्विंग यहाँ पे क्विंग बे के लिए नहीं बचा रही है टी शर्ट, यहाँ पे स्विंग क्विंग जो है ये टी शर्ट याओ शीन के लिए बचा रही है, क्योंकि स्विंग क्विंग का अब याओ शीन काफी अच्छा दोस्त हो गया है। वेल यहाँ पे स्विंग क्विंग जो है कैमरा लाना भूल गई थी ताकि वो कॉम्पिटिशन को रिकॉर्ड कर सके, जिसके लिए स्विंग क्विंग जो है लिटरेचर टीम के रूम में जाती है और वहां से कैमरा लेके सीधा हॉल की तरफ जा ही रही होती। तभी स्विंग क्विंग की नजर पड़ती है हमारे लॉ टीम के रूम में, जहाँ पे स्विंग क्विंग जो है याओ शीन को भी लॉ टीम के साथ देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। और साथ ही साथ याओ शीन ने जो है लॉ टीम के कपड़े भी पहने हुए थे, यानी कि इस कंपटीशन में लॉ टीम से जो है याओ शीन भी आने वाला था, जिसे देखते ही स्विंग किंग काफी ज्यादा दुखी भी हो जाती है और साथ ही साथ स्विंग किंग को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। जिसके बाद जो है फाइनली कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे याओ शीन काफी बार जो है स्विंग किंग को स्माइल करता है स्टेज से ही, लेकिन स्विंग किंग हमेशा जो है याओ शीन को गुस्से भरी नजरों से देखती है। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन के दौरान स्विंग किंग नोटिस करती है कि जितने भी पॉइंट्स जो है याओ शीन बता रहा है वो सारे के सारे याओ शीन स्विंग किंग के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका है। इसे देख के स्विंग किंग को लगता है कि याओ शीन ने उसके साथ धोखा करा। साथ ही साथ स्विंग किंग ने एक बार याओ शीन से ये भी पूछा था कि क्या तुम डिबेट टीम में हो, क्या तुम डिबेटर तो नहीं, जिस पे जो है याओ शीन साफ साफ स्विंग किंग को मना कर देता है। कॉम्पिटिशन के दौरान हमारी लॉ टीम काफी ज्यादा अच्छा खेल रही होती है। यहाँ पे हमारी ईशा
भी पूरी कोशिश करती है और जब थर्ड डिबेटर की बारी आती है तो अपने टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोर भी करती हैं। लेकिन ईशाओ के एफर्ट से तो कुछ होगा नहीं ना। यहाँ पे तो अगर चारों के चारों में से एक भी कमजोर पड़ा तो ये कभी भी पीछे चले जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हल्का सा में याओशेन के बारे में बताया जाता है कि याओशेन जो है वो लॉ टीम का एक डिबेटर है और याओशेन जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जाके लोगों को अच्छे से एनालाइज करता है, जिस वजह से ऑब्वियस बात है लॉ टीम को तो पता ही होगा कि कौन सा डिबेटर किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डिबेट करने वाला है। वेल, हमारी लिटरेचर टीम भी इतना भी बुरा नहीं खेलते। लिटरेचर टीम में से ईशा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एफर्ट देती है अपना। फाइनली हुआशा भी बोलने लगता है और हुआशा भी काफ़ी अच्छे से बोलता है, मतलब हुआशा जो है टिंग टिंग से भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और लास्ट में जब समरी देने की बारी आती है तो लॉ टीम से हमारा याओशेन खड़ा होता है। याओशेन बताता है कि मैं बचपन से ही घर में रहा करता था और इंटरनेट की दुनिया में ही रहा करता था, मैं पूरे दिन गेम्स खेला करता था, लेकिन जब मैं रियल दुनिया में आया तो तब मुझे पता चला कि इंटरनेट से ज़्यादा अच्छी हमारी रियल दुनिया होती है। याओशेन पहले भी एक लड़की को लाइक करता था लेकिन सम रीज़न जो है वो लड़की उसे छोड़ के चली जाती है, लेकिन अब याओशेन दोबारा से किसी एक लड़की को लाइक करने लग गया है और इस बार चाहता है याओशेन उसको अच्छे से अप्रोच करके रहे। वेल, यहाँ पे याओशेन जिस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं स्विंग क्विंग ही होती है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता होता। वेल, कुछ ही देर में हमारा कंपटीशन खत्म हो जाता है और अब फाइनली बारी आ जाती है रिजल्ट की, जहाँ पे सबसे पहले बेस्ट डिबेटर का नाम लिया जाता है, जिसमें बेस्ट डिबेटर का अवार्ड जाता है हमारी याओशेन को। जहाँ पे याओशेन का नाम सुनते ही हमारी लिटरेचर टीम थोड़ा सा रिलीफ महसूस करती है, क्योंकि मोस्टली होता कुछ इस तरह से है कि हमेशा जो है बेस्ट डिबेटर उस टीम से चुना जाता है जो टीम हारने वाली होती है। और अब फाइनली बारी आ जाती है हमारे फाइनल रिजल्ट की, तो आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कि किसकी टीम ने सबसे अच्छा खेला है। ऑब्वियस ही बात है लॉ की टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती है और इसी वजह से लॉ टीम जीत जाती है। लॉ की टीम के जीतते ही हमारी लिटरेचर टीम के जितने भी सपोर्टर्स थे और लिटरेचर टीम में जो भी डिबेटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, स्पेशली स्विंग किंग, क्योंकि स्विंग किंग को यही लग रहा होता है कि याओशेन ने उसे धोखा दिया। वेल, कॉम्पिटिशन में हार जाने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सब लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो गए थे इस कॉम्पिटिशन के लिए। वेल, नेक्स्ट सीन में मिस्टर बांग अपनी टीम को प्रैक्टिस रूम में बुलाकर क्विंगबेई को कुछ स्कोर का डाटा देता है और उसको एनालाइज करके बताने को कहता है, जिस पे क्विंगबेई कहता है कि नेक्स्ट कंपटीशन जो है हमारा लॉ टीम का और साथ ही साथ मैथ्स टीम का होने वाला है, तो अगर बाय चांस उस कंपटीशन में लॉ टीम जीत गई तो हम लोग जो है सेकेंड पोजिशन पर आ जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर हमारी मैथ्स टीम जीत गई तो हमारे में और मैथ्स टीम में जो है टाई हो जाएगा, जिस पे टिंग टिंग कहती है अगर हम पे टाई हो जाएगा तो फिर नंबर के बेसिस पे चुना जाएगा, जिस पे ईशा कहती है कि इसके बाद जो है लॉ टीम 85 स्कोर कर देगी और मैथ्स टीम जो है वो 93 स्कोर कर लेगी। 93 सुन के तुरंत ही स्क्विंग किंग कहती है कि 93, जिस पे टिंग टिंग बताती है कि आज तक तो किसी ने 90 से ऊपर स्कोर करा नहीं है, जिस पे हुआशा कहता है कि मैंने सारी कैलकुलेशन लगा दी है और मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली चांसेस है कि लॉ टीम ही जीतेगी, बहुत कम चांसेस है कि मैथ्स टीम जीत पाएगी लॉ से। वेल, उसी दिन रात को शाओचेन ईशा को हॉस्टल के नीचे मिलने के लिए बुलाती है और इस बार साथ साथ शाओचेन जो है अपने साथ जूस की बोतल भी लाई हुई थी। इसे देख के ईशाओ कहती है कि तुम जीती हो ना, तुम्हारी टीम जीती है तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई हो और मेरे साथ क्यों पार्टी कर रही हो, जिसके बाद अब यहाँ पे शाओचेन भी अपनी फीलिंग सारी की सारी ईशाओ को बताती है और कहती है कि मैं बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही हूँ, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तुम्हें मुझसे तो तुम्हारी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, एटलीस्ट तुम्हारे पास दोस्त है जिसके साथ तुम इंजॉय कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है और यही रीज़न है कि सभी लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं यहाँ पे आई हूँ। जब ईशा ये सारी की सारी बात सुनती है तो तुरंत ही ईशा शाओचेन के हाथ से जूस की बोतल खींचती है और कहती है कि लाओ इस बोतल को, मैं खोलने में तुम्हारी मदद करती हूँ, जिसके बाद ईशा और शाओचेन काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। वेल, अब फाइनली लॉ टीम का और हमारी मैथ्स टीम का कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमारी लिटरेचर टीम भी कॉम्पिटिशन को देखने के लिए पहुँच जाती है, या फिर ये कहे कि वो लोग जो है फाइनल रिजल्ट को देखने के लिए आए हुए थे वहाँ पर। और कंपटीशन ख़त्म होने के बाद फाइनली रिजल्ट की बारी आ जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि हमारी मैथ्स टीम जो है जीत गई है और वो भी 94 के स्कोर से, और साथ ही साथ हमारी लॉ टीम के अब स्कोर हो गया है 87। ये सारे स्कोर को सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये स्कोर तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और जिस तरह से पहले हमारी टॉप 12 टीम का सिलेक्शन हुआ था जो टीम आगे लड़ने वाली थी, इस बार होने वाला था टॉप 8 टीम का सिलेक्शन, और ऑब्वियसली बात है जो स्कोर इतने ज़्यादा उछले हैं इस वजह से जो है हमारी लिटरेचर टीम 8th पोजीशन पर भी नहीं आ पाती और वो फाइनली जो है डिस्क्वालीफाई हो जाती है इस मैच से ही।
वेल यहाँ पे सभी की सभी लिटरेचर टीम के मेंबर्स को बुरा लग रहा होता है, स्पेशली टिंग टिंग को, क्योंकि सबके सब जो है अगले साल भी डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। लेकिन टिंग टिंग का ये लास्ट ईयर था और टिंग टिंग चाहती थी कि वो फाइनल राउंड तक जाके जीत सके, लेकिन अब वो यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गई और नेक्स्ट ईयर तो टिंग टिंग अप्लाई कर ही नहीं पाएगी। फिर भी सभी लोग साथ में पार्टी करते हैं ताकि सबका मूड जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, सब जो है थोड़ा सा कॉम्पिटिशन से हट के कुछ और चीज पे ध्यान दे। ड्रामे में आगे यूनिवर्सिटी वालों ने डिबेट टीम के लिए एक अलग से डिबेट की क्लासेस शुरू कर दी थी, जहाँ पे जो है एक बाहर से डिबेट मास्टर आके उन्हें डिबेट के बारे में सिखाने वाला था। लेकिन ये क्लासेस जो थी वो उन्हीं 8 डिबेट टीम्स के लिए थी जो कि आगे राउंड में कॉम्पीट करने वाले थे, जिस वजह से ईशा जो है उस क्लास को लेने के लिए उस क्लास में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ का एक स्टाफ आके ईशा को अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि अगर बाई चांस किसी ने ईशा को देख लिया तो ईशा की वो शिकायत कर देगा टीचर को और टीचर से सीधा पनिशमेंट मिलेगी उस स्टाफ को। ये बात ईशा बेयू को भी बताती है, लेकिन बेयू पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी था, जिस वजह से बेयू का बिल्कुल भी मन नहीं होता उन क्लासेस को लेने का और उस क्लासेस के लिए प्रोटेस्ट करने का। ये बात ईशा साथ ही साथ मिस्टर बांग को भी बताती है, जिस पे मिस्टर बांग जो है ईशा को हिंट देते हुए कहते हैं कि जो चीज हमें सीधी तरह से ना मिले तो हमें जो है उसे उल्टी तरीके से लेना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट डे जो है ये शॉप पीछे के गेट से चली जाती है क्लास के अंदर और वहाँ पे कुछ देर तो झाड़ू मारने में लगी हुई होती है और जैसी क्लास शुरू हो जाती है तो वहाँ पे एज अ स्टूडेंट बैठ जाती है। वेल अब क्लास में मास्टर सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि डिबेट में हमें कोई सा भी टॉपिक मिल जाता है जहाँ पे एक जो है उसके बारे में अच्छाई बता रहा होता है और एक बुराई बता रहा होता है, यानी कि हर टॉपिक में जो है एक अच्छाई भी होती है और एक बुराई भी होती है, लेकिन वो डिबेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है अपनी ऑडियंस को अपनी बात के लिए कन्विंस कर सके कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ वह सच्ची है। वेल क्लास लेने के बाद वो मास्टर डिसाइड करते हैं कि वो ऑन द स्पॉट एक टॉपिक लेंगे जिसमें जो है दो बच्चों को खड़ा करके उनके बीच में डिबेट का कंपटीशन करेंगे, जिसके लिए वो मास्टर जो है ईशा को खड़ा करते हैं और साथ साथ एक मेल डिबेटर को खड़ा करते हैं। वेल डिबेट के दौरान ईशा जीत जाती है क्योंकि मेल जो डिबेटर था उसका पॉइंट ज्यादा अच्छा नहीं था। हार जाने की वजह से वो मेल डिबेटर ईशा से चिढ़ सा जाता है और तुरंत ही मास्टर को बता देता है कि ये जो है क्लास में चोरी छुपे आई है, ये बल्कि टॉप 8 डिबेट टीम में नहीं थी। जिस पे ईशा जो है वो मास्टर को अपना पॉइंट बताती है और कहती है कि ये जो हमारी क्लासेस हेल्ड हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 8 डिबेट टीम्स के लिए हुई है और बाकी का क्या होगा, वो तो ऐसे ही पीछे पीछे कमजोर होते जाएंगे और ये लोग जो है अगर अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे तो ये तो हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर ये हम लोग इक्वल कहां से हो जाएंगे। जिस पर वो मास्टर बिल्कुल भी शॉप पे गुस्सा नहीं होते और सभी बच्चों को बताते हैं कि अगर वो क्लास लेना चाहती है तो वो यहाँ पे आ सकती है, बल्कि और कोई भी क्लास लेना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है, अगर हमारे अंदर किसी चीज को करने की चाहत है तो उसे हमें करके रहना चाहिए, उसके बाद जो है कोई भी बैरियर आ जाए हमारे सामने हम उस बैरियर को आसानी से जो है हटा सकते हैं। वेल अब यहाँ पे बेयू और ईशाओ की कैट जो है काफी बड़ी होती जा रही थी, जिस वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस कैट को किसी और को दे देंगे क्योंकि कोई कैट जो है अकेले कब तक रहेगी। जिसके बाद बेयू और ईशाओ जो है स्विंकिंग की आंटी के घर पहुंच जाते हैं उस कैट को देने के लिए, जहाँ पे याओशेन भी पहुंच चुका होता है क्योंकि बेयू ने स्विंकिंग की आंटी का घर का एड्रेस जो है याओशेन को दे दिया था। पर घर में पहुंचने के बाद भी याओशेन का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि स्विंकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर बेयू और ईशाओ को आने देती है और याओशेन के लिए गेट बंद कर देती है। साथ ही साथ स्विंकिंग की आंटी बेयू के उस कैट को नहीं रखती क्योंकि बेयू की कैट का ब्रीड अलग था और स्विंकिंग की आंटी की कैट का ब्रीड अलग था। साथ ही साथ जब स्विंकिंग की आंटी को पता चलता है कि बेयू की कैट जो है वो रोड से उठाई हुई है तो स्विंकिंग की आंटी मूसा बना लेती है और कहती है कि ये रोड चलती हुई कैट को हम नहीं रखने वाले, और बेयू भी अब गुस्से में आ जाता है और वो खुद से ही जो है अपनी कैट को उन आंटी के घर में नहीं छोड़ता। साथ ही साथ बाहर निकलते टाइम दोबारा से गेट खुलता है तो याओशेन तुरंत ही स्विंकिंग से माफी मांगने लगता है, जिसमें याओशेन जो है अपने घर के बिल्कुल ही टॉप पे चली जाती है और वहां से ठंडा पानी याओशेन के ऊपर गिरा देती है, जिस वजह से याओशेन को सर्दी लग जाती है। लेकिन याओशेन के सामने जैसे ही स्विंकिंग आती है तो याओशेन बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करने लगता है कि जैसे कि याओशेन को कुछ हुआ ही ना हो। वेल वहीं पे नेक्स्ट डे क्विंगबेई को रास्ते में वांगशियो दिखता है, जिस पर क्विंगबेई वांगशियो को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी टीम ने तो बड़ा अच्छा स्कोर किया इस बार, सीधा 94, जो कि आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है। जिस पर वांगशियो कहता है कि हाँ हमने तो मेहनत की थी ना इसलिए अचीव कर लिया, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये था कि क्विंगबेई को शक है कि शायद से वांगशियो की टीम ने चीटिंग करी है। वेल फाइनली लिटरेचर टीम के मेंबर और साथ ही साथ जितने भी मेंबर्स चाहते हैं डिबेट क्लासेस लेना वो क्लासेस में पहुंच जाते हैं,
जहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद मास्टर सभी को कहते हैं कि तुम लोगों को जो है अब दो दो का पेयर बनाना है और नेक्स्ट क्लास में जो है उन दोनों के बीच में डिबेट कॉम्पिटिशन रखूंगा मैं, जिस पे लू वेई गान तुरंत ही खड़े होकर बेयू से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पेयर बनाओगे, जिस पे बेयू भी हाँ कह देता है। ये बात सुन के ईशा को हल्का सा बुरा लगता है और ऑब्वियसली लगेगा ही, क्योंकि वो बेयू को लाइक करती है और लू वेई गान जो है बेयू के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है और बेयू भी महान जो है वो समझ नहीं रहा लू वेई गान की फीलिंग्स को।